क्या टाटा सफारी XUV700 को टक्कर दे सकती है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। XUV700 के अंदर आपको दो इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला है पेट्रोल और दूसरा है डीजल। अगर XUV700 में मिलने वाले डीजल इंजन को और टाटा सफारी में मिलने वाले डीजल इंजन कंपेयर करें, XUV700 में मिलने वाला 2.2 लीटर M-Hawk डीजल इंजन की पावर की बात करें, तो इसका यह इंजन 185 bhp की पावर और 420 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। अगर इस इंजन को कंपेयर किया जाए सफारी मिलने वाले 2 लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन से, तो सफारी का यह इंजन 170 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। और सफारी का यह इंजन XUV700 के 2.2 लीटर डीजल इंजन से कम पावरफुल भी है और कम टॉर्की भी है। अगर टाटा सफारी में मिलने वाला 2.2 लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन को कंपेयर किया जाए XUV700 में मिलने वाला 2 लीटर एम स्टैलियन TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन से, तो XUV700 का इंजन 190 bhp की पावर और 400 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। अगर इस इंजन को सफारी मिलने वाली डीजल इंजन से कंपेयर किया जाए, तो सफारी का यह डीजल इंजन 20 bhp कम पावरफुल है और 50 Nm कम टॉर्की भी है। तो XUV700 टाटा सफारी से ज़्यादा पावरफुल भी है और ज़्यादा टॉर्की भी है। और जिस तरीके से महिंद्रा ने अपनी मोस्ट पॉपुलर ऑफ रोडर महिंद्रा थार को 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किया था, तो इसी तरीके से महिंद्रा अपनी XUV700 को अगले ही महीने 15 अगस्त को लॉन्च कर सकता है। और अब बात कर लें उन फीचर्स के बारे में जो XUV700 के अंदर आने वाले हैं लेकिन टाटा सफारी में नहीं आते। और जैसा कि महिंद्रा ने कहा है कि इस गाड़ी के अंदर फर्स्ट इन सेगमेंट आने वाले हैं फ्लश डोर, जो लैंड रोवर और रेंज रोवर की कारों में आते हैं। और महिंद्रा ने अपना एक टीजर वीडियो भी रिलीज किया है, आप इस वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं। You're looking at the door handle of the XUV700. You really are. Hello, first in segment smart door handles. Hello, XUV700. अगर आपने अभी तक कार ऑटो शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। दूसरा फीचर इसके अंदर मिलने वाला है वो है मर्सिडीज लाइक ट्विन स्क्रीन, जो टेक्नोलॉजी मर्सिडीज के मॉडल से ली हुई है और जो कि बिगेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होने वाला है इस सेगमेंट के अंदर। और इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स इसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मर्सिडीज की तरह सीट एडजस्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रिक बटन्स हैं वो डोर्स पर दिए हुए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कूल लगते हैं। और इसके इंटीरियर में आप डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स भी देख सकते हैं, लेकिन XUV700 एक 4x4 ऑप्शन के साथ आने वाली है, लेकिन इसके अंदर आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स भी मिलेंगे। लेकिन डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स आपको टाटा सफारी में ही मिलते हैं, लेकिन टाटा सफारी एक फ्रंट व्हील ड्राइव होने के कारण बेहतर ऑफ रोडिंग नहीं कर सकती। और XUV700 के अंदर आपको फोर व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलने वाला है, जिससे कि आप बेहतर ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। और तीसरे पॉइंट्स की बात कर लें जो टाटा सफारी में नहीं मिलते, वो है बूस्टर हेडलैम्प। अगर आपकी स्पीड 80 माइल की स्पीड से ज़्यादा होती है तो इसके हेडलैम्प्स ऑटोमेटिकली बूस्ट करके इसकी रेंज बढ़ जाएगी। और महिंद्रा इसको सेफ्टी फीचर्स भी बता रहा है। और महिंद्रा ने एक टीजर वीडियो भी रिलीज किया है जो आप देख सकते हैं। हेलो XUV700। और अब बात कर लें उन एडवांस सेफ्टी फीचर्स की। XUV700 में मिलने वाले हैं लेकिन टाटा सफारी में नहीं आते। पहला है एडवांस सेफ्टी फीचर्स, वो है ADAS, एडवांस ऑटोनोमस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम, जो सपोर्ट करेगा अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। और दूसरा है फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग एंड पैरेलल पार्किंग असिस्ट, और इसके अंदर आपको 7 एयरबैग देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर आपको फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर भी मिलेगा, लेकिन टाटा सफारी के अंदर आपको रियर में आता है, फ्रंट में पार्किंग सेंसर नहीं आता। और उसके अंदर आपको ABS, ABD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल तो आपको टाटा सफारी में ही मिल जाते हैं, लेकिन XUV700 के अंदर भी आपको मिलेंगे। और जानकारी के अनुसार महिंद्रा इसके अंदर पर्सनलाइज सेफ्टी अलर्ट फीचर्स भी देने वाला है। इस फीचर्स की मदद से अगर आपकी गाड़ी आपकी तय की गई लिमिट से अगर आपकी स्पीड ऊपर होती है तो ऑडियो में आपको स्पीड कम करने की बोलेगा, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है और बहुत ज्यादा कूल लगेगा अगर ये फीचर्स गाड़ी में रहेगा तो। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस गाड़ी के अंदर फर्स्ट इन सेगमेंट से बड़ी सनरूफ होने वाली है, जिसको महिंद्रा ने ऑफिशियल तौर पर बताया है। अगर आप इसके अंदर बैठोगे तो आप पता नहीं लगा सकते कि आप एक कन्वर्टेबल में बैठे हो या फिर बैठे हो SUV के अंदर, जो कि महिंद्रा ने एक टीजर वीडियो जारी भी किया था जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। A sunroof so large, you might think you're in a convertible. Hello, largest in segment sky roof. Hello, XUV. टाटा सफारी XUV700 से कितनी ज्यादा पीछे रह जाती है। ये सारे फीचर्स वो फीचर्स हैं जो महिंद्रा ने
ऑफिशियली तौर पर टीजर के द्वारा लॉन्च किए हैं। और अभी तक ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमें नहीं पता कौन कौन से फीचर्स XUV 700 के अंदर आने वाले हैं। और XUV 700 के टॉप एंड वेरिएंट में आपको फोर व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतर है। लेकिन कहीं ना कहीं टाटा सफारी XUV 700 से काफी ज्यादा पीछे रह जाती है। और अगर डायमेंशंस की बात किया है तो XUV 700 की डायमेंशंस XUV 500 से ज्यादा हो सकती है। अगर XUV 500 की लेंथ, विड्थ और हाइट को टाटा सफारी की लेंथ, विड्थ, हाइट से कंपेयर किया जाए तो टाटा सफारी की लेंथ, विड्थ, हाइट XUV 500 से ज्यादा है। अगर XUV 700 XUV 500 से लेंथ, विड्थ और हाइट में ज्यादा होती है तो ये टाटा सफारी से ज्यादा लंबी, ज्यादा ऊंची और ज्यादा चौड़ी हो सकती है, क्योंकि डायमेंशंस अभी ऑफिशियली तौर पर लॉन्च नहीं किए गए हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलते हैं।